प्रताप जब तक नौकरी करता था तब तक तो ठीक था, लेकिन प्रताप के गुजर जाने के बाद अब तुम दोनों का इस शहर में कोई नहीं है। तुम दोनों का यहाँ रहना मैं उचित नहीं समझता, और प्रताप की माँ अभी स्वर्गवास हो गया, मैं भी वहां पर अकेले ही रहता हूं। तो मैं ये चाहता हूं कि तुम दोनों गांव में ही मेरे साथ हो तो अच्छा रहता। ठीक है पिताजी, हम ऐसे भी इस शहर में हमारा नहीं कह गया, लेकिन आप तो जानते ही हैं ना कि रिंकी की पढ़ाई भी है, और मैं नहीं चाहती कि हम दोनों का बोझ मैं आपके सर पर डालूं। मैं चाहूंगी कि मैं नौकरी करूं। जैसी तुम्हारी बात, मुझे कोई इतराज नहीं, फिर कर सकती। पिताजी, मैंने खाना बना दिया है, खा लेना। रिंकी आएगी स्कूल से, उसे भी खिला दूंगी। मैं ऑफिस जा रही हूँ। ठीक है, कितना लगा? दादाजी, मैं स्कूल से आ गई। क्या है मोबाइल में फोटो खींचते रहती हो? चल दे खाना खा। चादर नहीं उड़ी थी ना, वो आ गया मैं उसे चादर उठाने के लिए।
अब ड्रेस चेंज करती हूँ दूसरी ड्रेस में, इसमें तो और अच्छी आती है। मैं इस वाली ड्रेस में मुझे तो और भी अच्छी पिक आती है। दादाजी आप, ये क्या मेरी गंदी वीडियोस निकाल रहे थे आप? रुको, मम्मी जी को आना तो हमारे हर हरकतें बताती हूँ मैं। सुंदर है ये तुमसे पता था? छोड़ो मुझे। लेकिन इतनी सुंदर है? छोड़ो मुझे। ये आज मैंने जाना। छोड़ो मुझे। रो। छोड़ो मुझे। क्यों? आने दो, मम्मी को तुम्हारी हर हरकतें बताती हूँ। अच्छा? हाँ, मम्मी से बताती हूँ। तेरी ये बता। रिंकी, रिंकी। देखा कि वो रिंकी बेहोश पड़ी हुई है, उसके माथे से ब्लड आ रहा है, पता नहीं क्या हो गया है। तू जल्दी घर आ जा। अरे बेटा जल्दी। मुझसे छीन ही नहीं रहा था, अब मेरी बेटी को भी कैसे रहूंगी उनके बगैर में जिंदगी।
सारा दिन इस फोन में वीडियो बनाती रहती, फोटो खींचती रहती थी। तुमने मेरी बेटी को मारा ना, तुम्हें शर्म नहीं आई अपनी पोती के साथ ये सब करते हुए? मैंने क्या किया? मैंने तो कुछ नहीं किया। चुप रहिए आप, थोड़ी तो शर्म कर लेते पिताजी। ये देखो वीडियो, मैं अभी पुलिस को फोन करती हूँ और तुम्हें पकड़वाती हूँ। अरे ये तुमने ये सब किया है। अरे रुको, चलो।